जय मसीह की सबको स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। तो आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन है लहू के द्वारा माफी, जैसे गिनती 21 अध्याय उसकी 8 आयत में लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खम्मे पर लटका, तब जो सांप उसे डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मूसा जब इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से आजाद करके जंगल में से लिए जा रहा था, तो लिखा है रास्ते में लोगों को पानी नहीं मिला, जब उनको स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला तो कुड़कुड़ाने लग जाते थे। ऐसे ही वह पाप में चले गए और वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर की योजना के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे। तो लिखा है कि तेज विष वाले सांप उनको डसने लगे और लोग मरने लग गए। तो लिखा है उन्होंने मूसा से विनती की कि हम लोग मरे जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर कि यह सांप हमसे दूर हो। तब परमेश्वर ने मूसा से बोला कि एक पीतल का सांप लेकर उसको स्लीप पर चढ़ा दे, जो भी व्यक्ति सांप का डसा हुआ उस स्लीप को देख लेगा वो मरेगा नहीं पर आजादी पाएगा। लिखा है जब मूसा ने ऐसा किया तो स्लीप के ऊपर सांप को चढ़ा दिया, तो जो उसे देख लेता था वो मौत से छुटकारा पा लेता था और मरता नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, सांप बाइबल में एक पाप का प्रतीक है। मूसा ने कहा था कि आने वाले समय में ऐसे ही मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता खड़ा होगा जिसका नाम यीशु मसीह है, जो लोगों के पापों को स्लीप पर से उठा लेगा। जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके स्लीप को देखेगा वो शर्मिंदगी नहीं उठाएगा, वो पाप से माफी पाएगा, वो बीमारियों से छुटकारा पाएगा। जिस तरह यह लोग जो स्लीप पर चढ़ाए गए सांप को देखकर चंगे हो रहे हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे कि वो हमें पापों से आजाद करने के लिए स्लीप पर मारा गया और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, चंगे किए जाएंगे। बाइबल में लिखा कि जब लोग एक अंधरंगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए तो परमेश्वर ने कहा कि जा, तेरे पाप माफ हुए। लिखा है वो उसी वक्त अपने बिस्तरे से उठ खड़ा हुआ और अपनी मंजी लेकर चला गया। उसकी बीमारी के कारण उसके पाप थे और जब उसके पाप माफ हुए तो उसका लकवा भी ठीक हो गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को स्लीप पर चढ़ाया गया, उसको कोड़ों से मारा गया, तो उसकी सूरत मनुष्यों जैसी नहीं रही थी। लिखा है कि उसने सारी बीमारियां अपने शरीर पर सही, अपना सारा लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम लोग बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया कि मैं परमेश्वर का इकलौता बेटा हूँ और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा अपने पापों से माफी पाएगा और उद्धार को पाएगा। हालेलुया। आज जो भी बीमारी से ग्रस्त हो विश्वास करता हो कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ तो वो चंगा होता है, और जो विश्वास करता है कि उसके बांधे जाने से मैं छुटकारा पा चुका हूँ वो छुटकारा पाता है। और अगर कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप धुल चुके हैं तो ऐसा ही होता है। बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पापों से माफी देने के लिए अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
आमीन।